लिनेवो Q45 कंप्यूटर, कोटूडू के कंप्यूटर्स, लिनेवो आइडिया पैड लैपटॉप्स, लिनेवो थिंक पैड लैपटॉप्स, इनमें बूट सीक्वेंस का एरर आता है। हार्ड भी ठीक होती है, मदरबोर्ड भी ठीक होता है, विंडो भी ठीक होती है, कंप्यूटर ठीक होता है, उसकी साटा केबल्स भी ठीक होती हैं, सप्लाई भी ठीक होती है, फिर भी विंडो बूट नहीं होती, कंप्यूटर रन नहीं होता, स्टार्ट में बूट सीक्वेंस का एरर आता है। तो ये एरर लिनेवो में बहुत ज्यादा है। हर बंदा जो लिनेवो को यूज करता रहा है, लिनेवो सिस्टम हो या लैपटॉप हो, थिंक पैड हो, आइडिया पैड हो या Q45 के सिस्टम हो, इन सब में ये एरर आता है। तो इसके लिए हमने ये वीडियो बनाई है, जिसके पास भी ये लैपटॉप, कंप्यूटर, थिंक पैड, आइडिया पैड, Q45 के सिस्टम हो और उनकी विंडो ना चल रही हो, वो इसको रिपेयर करवाने से पहले कम से कम एक दफा इस वीडियो को देख ले, वो घर बैठे एक मिनट में अपना एरर खुद ही ठीक कर लेंगे। तो जस्ट थोड़ी सी सेटिंग करना पड़ेगी, कोई हार्डवेयर का फॉल्ट नहीं है, कोई हार्ड का फॉल्ट नहीं है, काविया चलाने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत, जस्ट छोटी सी सेटिंग है, उसके बाद कंप्यूटर बिल्कुल ओके हो जाएगा। 1962 नो ऑपरेटिंग सिस्टम फाउंड, प्रेस F1 एंड रिपीट बूट सीक्वेंस। जैसे ही आप F1 प्रेस करते हैं यही मैसेज रिपीट होता है। तो इसमें आपने करना क्या है, F1 का बटन प्रेस करना है। तो यहां आपके सामने इसका सेटअप खुल जाएगा थोड़ी देर में, ये जो F1 का बटन है ये देखें, ये सेटअप खुल गया है। तो अब आपने क्या करना है, आपने ये देखे मेल लिखा हुआ है, उसके आगे डिवाइसेस है, उसके आगे एडवांस है, पावर है, सिक्योरिटी है, उसके बाद स्टार्टअप है। आपने स्टार्टअप पे चले जाना है। अब देखें इस पेज में स्टार्टअप सीक्वेंस लिखा हुआ है, इस पे आपने एंटर कर देना है। तो फर्स्ट बूट डिवाइस ये USB HDD लिखा हुआ है, तो ये मैं एरो की से नीचे आता हूं, देखें ये इसकी हार्ड ड्राइव जो ना ये नीचे चली गई हुई है, ये देखें ये PoWDC और आगे इसका साइज है, ये हार्ड ड्राइव और ये CD-ROM है। इसको हमने फर्स्ट बूट डिवाइस में लेके जाना है। एक्चुअल ये डिफॉल्ट सेटिंग में जाता है तो इसकी हार्ड जो है ना बूट करना बंद कर देती है, बूट सीक्वेंस में नीचे चली जाती है। तो इसको ऊपर लेके जाने के लिए ये एरो की से देखो, एरो की से ये ऊपर नहीं आएगा, एरो की मैं दबा रहा हूं ये ऊपर नहीं आएगा, ये हमें फोकस करना, ये कीबोर्ड पे जो एक्स का बटन है ना, हमने हार्ड ड्राइव को वहां से हाईलाइट करना है, एक्स दबाना है। जैसे ही हम एक्स दबाएंगे तो ये ऊपर चली जाएगी हमारी हार्ड। इसी तरह हम वापस आके ये जो सीडी रूम है इस पे भी एक्स दबाएंगे दोबारा, ये देखें ये ऊपर चला गया ये भी। तो इसको मैं सेव करता हूं, ये मैंने एस्केप दबाया और आगे देखें ये एग्जिट लिखा हुआ है, इस पे मैं क्लिक करूंगा, उसके बाद सेव चेंजेस एंड एग्जिट, इस पे मैं एंटर करता हूं, ये ओके मांग रहा है, यस मांग रहा है, मैंने यस किया। अब जैसे ही ये रिस्टार्ट होगा ये सिस्टम, तो ये जो एरर आ रहा था नो ऑपरेटिंग सिस्टम फाउंड प्रेस F1 टू रिपीट बूट सीक्वेंस, ये एरर खत्म होके हमारी विंडो लोड हो जाएगी। अब मैंने इसको रिस्टार्ट कर दिया हुआ है सिस्टम को, तो ये लोडिंग ले रहा है, देखें ये विंडो लोड होना स्टार्ट हो गई, यानी हमने कुछ भी नहीं किया, इवन के इसकी केसिंग भी ओपन नहीं की, सिर्फ इसकी सेटिंग चेंज की है। तो ये मसला हमारा सॉल्व हो गया हुआ, देखें ये विंडो लोड हो गई है। अब हम कंप्यूटर को शट डाउन करें, रीस्टार्ट करें, जो मर्जी करें, ये सेटिंग सेव हो चुकी है, ठीक है। ये इसके सेल के खराब होने से भी फॉल्ट आता है, इसका कीबोर्ड माउस LCD उतारते हैं जब दोबारा लगाते हैं तो तब भी ये फॉल्ट आ जाता है। तो जब यूजर घर में उसको कोई फॉल्ट आता है तो वो उठा के शॉप पे लेके जाता है, वहां से काम करवाता है, तो वापस आके कीबोर्ड माउस और अपनी केबल्स LED वगैरह जो प्लग इन करता है तब भी ये फॉल्ट आ जाता है। तो अब जब भी ये मसला बूट सीक्वेंस का आपके पास आए तो आपने जस्ट यही सेटिंग करनी है और ये मसला आपका घर में बैठे बैठे फ्री में जस्ट एक मिनट में ये मसला आपका सॉल्व हो जाएगा।
ओके जी, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज।